ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में लगातार जारी भारी बारिश को ध्यान में रखकर एडवाइजरी जारी की है और जिन घरों में जलभराव की स्थिति है, साथ ही घरों की दीवारें और छत टूटी फूटी है, उन घरों को चिन्हित कराकर खाली कराने के आदेश जारी किए हैं। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को ध्यान में रखकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने अपील की है कि मौसम विभाग ने आगे की बरसात जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है, इसलिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में जलभराव की स्थिति हो या फिर घरों की दीवारों व छत मजबूत ना हो तो उन घरों को चिन्हित कराकर खाली कराने के आदेश दिए हैं। और कलेक्टर ने निचले क्षेत्र में बसे गांव के निवासियों से भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचकर रहने की अपील की है, साथ ही मदद के लिए कुछ नंबर भी जारी किए हैं। शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी राजस्व की पुलिस की समस्त टीम अपने विजिल पर है और आप लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अभी जो फोरकास्ट हम लोगों को मिला है मौसम विभाग के हिसाब से, उसमें रात्रि में भी इस वर्षा के कंटिन्यू होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे समस्त लोग जो थोड़े निचली एरियाओं में रहते हैं, आप लोग नगर निगम से और अपने क्षेत्र की पंचायत से अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो आप तत्काल फ़ोन पर बात करें और अपनी स्थिति बताएं और आप उनको, हमने जगह चिन्हित करके रखी है, शासकीय भवनों में उचित स्थानों पर आपको शिफ्ट करा सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर की दीवार या साइड की वॉल या फिर आपकी छत अगर आपको लगता है कमज़ोर है तो आप बिल्कुल भी रात्रि में इस घर में ना रुकें, आप किसी पक्की सुरक्षित जगह जाएं। यदि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप शासकीय कैंप्स में भी आ सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम अब इसी वीडियो के साथ में शेयर कर देंगे कि आप कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी अफवाहों पर आप ना ध्यान दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।